गाइज, अगर आप उज़्बेकिस्तान ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल सही चैनल को आपने रीच किया है, बिकॉज आई एम गोना गिव यू सो मच इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रिप एंड इमिग्रेशन टिकट वीज़ा। गाइज लिटरली मतलब मेरा कभी भी ऐसा इमिग्रेशन नहीं हुआ, इवन चेक इन काउंटर पे ना, वन ऑफ द बेस्ट वॉक। यहाँ चलने का अलग मज़ा है भाई। भाई मेरा एक्स्ट्रा पे करना वर्थ इट रहा, लाइक ज़बरदस्त भाई। अब तो पैसा आ रहा है दोस्तों। तो ये है यहाँ का 2 लाख का नोट उज़्बेकिस्तान का। सो वेल, हाय दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड जिस ट्रिप का हम लोग को सभी को इंतजार था, फाइनली इट्स गोना हैपन। एंड बहुत टाइम से मैं आपको अपडेट कर रहा था इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सारी चीजें मैंने आपको बताई है कि बहुत जल्द निकलने वाले हैं एंड फाइनली वेट अब खत्म हुआ। अब चलने की तैयारी है एक नए सफर पे। और दोस्तों आपने जैसे कि देखा लास्ट जो हमारा था वो था कश्मीर। दोस्तों कश्मीर के बाद अब हम करने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रिप बैक टू बैक एंड ये हमारा जो ट्रिप होने वाला है, एज यू नो जैसे कि मैंने आपको बताया था इंस्टाग्राम पे कि 4 कंट्री हम कवर करेंगे, जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्री है, एंड लास्ट करेंगे हम दुबई में। तो मजा बहुत आने वाला है, बाकी और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा आगे। ऑलराइट दोस्तों, मेरा इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हो गया है एंड मैं इस व्लॉग में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, लाइक अगर आप उज़्बेकिस्तान का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं, इवन आपको वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, तो वो सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। अब से पहले मुझसे इतने सवाल हुए नहीं हैं, लेकिन पहली बार उज़्बेकिस्तान ट्रिप पर मतलब इतने सवाल हुए हैं। इमिग्रेशन में भी काफ़ी सवाल मुझसे पूछे थे, लेकिन तुम्हारे भाई ने सब क्लियर कर लिया। ऐसे निकल रहे हैं तो मैं भाई पेपर वर्क बहुत एकदम सेट करके चलता हूँ। तो अभी मुझे लगी है भूख एंड एज यू कैन सी वहाँ पे लाउंज एक्सेस में चलते हैं, फिर मैं आपको जब गेट पर चले जाएंगे अपने जो जहाँ से हमारी फ़्लाइट होगी वहाँ पे मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा डिटेल्स में। लेट्स गो, पहले कुछ खाते हैं और भूख लगी है फिलहाल अभी। आई डोंट थिंक सो कि मुझे खाने के लिए कुछ मिलेगा, बिकॉज भाई क्या लाइन लगा रखी है इन लोग ने, जैसे फ्री में चल रहा हूँ, वैसे फ्री ही है। पहले एक टाइम हुआ करता था जब 2022 में मैं यहाँ था, मतलब दुबई जा रहा था, तब भाई यहाँ पे एकदम खाली रहा करता था, मतलब उस टाइम में ना इतना लोगों को नहीं पता था। बट अभी आप देख सकते हैं भाई अगर हमें कुछ मिल पाएगा, बिकॉज कार्ड है ना बहुत सारे डिनाई कर रहे हैं, बिकॉज देखो वो लोग आ रहे हैं तो कार्ड है ना बहुत सारे, अभी कंडीशन लगा दी है। अभी लाउंज एक्सेस के लिए ना बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, लाइक अभी आपको है ना 50,000 लास्ट 3 मंथ में अपने कार्ड से स्पेंड करना होगा तभी आपको लाउंज एक्सेस मिल सकता है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, बैंक है ना आराम से दे देते थे, लाइक कोई भी है ना उसे यूटिलाइज कर सकता था, बट अभी ऐसा कुछ है नहीं। तो अभी क्या करते हैं, अभी चलते हैं अंदर। सो दोस्तों हमें नहीं मिल पाया है लाउंज एक्सेस, रीजन ये था जैसे मैंने आपको बताया था ना बहुत सारी कंडीशन चेंज हो गई है। तो पहले ऐसा था कि वो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों वैलिड था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, लाइक अभी डोमेस्टिक के लिए मेरा कार्ड एक्सेसिबल है और इंटरनेशनल के लिए नहीं है। तो मैंने पहले बोला था कि हो सकता है कि आज ना मिले एंट्री, क्योंकि मुझे भी पता था थोड़ा बहुत ऐसे लग रहा था। बाकी अभी चलते हैं अपने गेट नंबर की तरफ। सो दोस्तों अभी मैं वहां से लाउंज एक्सेस से तो आ गया हूँ, बिकॉज कुछ खाने के लिए तो मिला नहीं है, बट मैंने क्या किया स्नैक्स ले लिया है, इसे इत्तेफाक कह लो या इसे मतलब कुछ भी कह सकते हैं आप, मिरेकल है या फिर क्या। मैं अभी तक ऑलमोस्ट है ना 5 से 6 कंट्री विजिट, छठी है शायद से कंट्री जो मैं विजिट करने जा रहा हूँ या 5वीं है, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन अभी तक जितनी बार भी नंबर आया ना मेरा, एवरी सिंगल टाइम मुझे है ना गेट नंबर 14 पे जाना होता है। बिकॉज अगर आपने मेरा लास्ट टाइम इवन कजाकिस्तान भी देखा होगा ना, तो कजाकिस्तान वाले ब्लॉग में भी आपने देखा होगा 14 नंबर मेरा गेट नंबर था, एंड अभी भी मैं उसी साइड जा रहा हूँ। बाकी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी लिटरली मतलब इमिग्रेशन को लेके और जो चेक इन काउंटर पे आज मुझसे सवाल हुए मैं आपको बताऊंगा आराम से। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ अपने गेट नंबर 14 पे जहाँ मेरा बोर्डिंग गेट है, लाइक मुझे जहाँ से जाना है जो मेरी फ़्लाइट है, एंड आज मेरी जो फ़्लाइट है वो है उज़्बेकिस्तान एयरलाइन से, बिकॉज मेरे पास दूसरा ऑप्शन था इंडिगो के लिए, बट उज़्बेकिस्तान एयरलाइन इसलिए लिया बिकॉज फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है एंड आई डोंट नो नेक्स्ट मेरा कब होने वाला है, बिकॉज कुछ अलग कंट्री होंगी तो शायद से ही वापस से उज़्बेकिस्तान एयरलाइन को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। बट ये तो अभी साइड में रखते हैं, जो मेन टॉपिक है, जो मेन इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि लाइक जब मैं चेक इन कर रहा था उस टाइम पे मुझसे बहुत सारे सवाल हुए हैं आज पहली बार, सवाल लाइक अजीब अजीब से कि डॉक्यूमेंटेशन क्या है, कितने दिन के लिए आप जा रहे हो, तो इतनी सारी चीज़ें मुझसे पूछी गई। तो बट ये है कि जितनी भी चीज़ें थी वो सब ओवरकम कर ली थी,
जैसे ही मैं एयरपोर्ट के अंदर आया तो मैंने चेक इन के लिए मतलब अपना पासपोर्ट, टिकट एंड अपना वीज़ा वो दिखा दिया जो कि चेक इन काउंटर पे। तो मुझसे सवाल हुआ कि मतलब रिटर्न फ्लाइट दिखाइए। तो रिटर्न फ्लाइट मेरी है दुबई से, जो मेरी जर्नी है वो थोड़ा लॉन्ग होने वाली है। जैसे मैंने आपको बताया था इंस्टाग्राम पे कि 45 डेज का हमारा ये लॉन्ग जर्नी रहेगा। तो वहाँ पे मैंने उनको वो टिकट दिखा दी, लेकिन फिर सडनली जो वहाँ के सीनियर थे वो बोलते हैं कि एक काम करिए, जो वीज़ा है उसको आप है ना पेपर फॉर्म में लेके आइए, लाइक जो बोलते हैं ना कि फोटो स्टेट। तो मुझसे फोटो स्टेट मांगा गया। मैंने कहा भाई ये सिंपल बात है कि आप यहाँ देख लो इसी फॉर्मेट में एंड आपको सिस्टम में दिख रहा है सारी चीज़ें, बट उन्होंने नहीं सुना। तो फिर वहाँ पे एक इंफॉर्मेशन डेस्क होती है, अगर आप कभी भी ये प्रॉब्लम फेस करें तो प्लीज़ इंफॉर्मेशन डेस्क पे जाएं, वहाँ पे ईमेल करें अपना डॉक्यूमेंट्स, तो वहाँ से आपको फ्री में फोटो स्टेट या जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो चाहिए वो इजीली मिल जाएगी। देन मैं वापस आया, उसके बाद वापस से वो सवाल करने लगे कि कितना मतलब फंड्स कितना है और कहाँ रुकोगे, हॉस्टल वगैरह के बारे में। बट मेरा तो ऐसा है कि क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो मैंने जो हॉस्टल है वो दिखा दिया, मेरा रिटर्न फ्लाइट दिखा दिया, इवन मैंने दूसरे कंट्री के वीज़ा दिखा दिए, वहाँ पे वो हुआ। देन एक लड़की थी बहुत अच्छी, मतलब जो वहाँ पे मतलब एयरलाइन के डेस्क पे थी, चेक इन डेस्क पे, उन्होंने मेरा जो सीट है वो विंडो कर दिया। लाइक वो बोलने लगे कि आपको ऑलरेडी इन लोग ने इतना परेशान कर दिया है तो एक काम कर दें, आपका जो सीट है वो विंडो कर देते हैं। चलो वहाँ से बात ख़त्म हुई। देन नेक्स्ट आता है आपका इमिग्रेशन। इमिग्रेशन में भी सेम कि भाई कब वापस आओगे एंड एग्जैक्ट डेट पूछा एक्चुअली उन्होंने कि मतलब आपका एग्जैक्ट। मैंने उनको टिकट दिखा दिया। पहली बार मैंने है ना पता है क्या, मैंने फ़ोटो स्टेट नहीं निकलवाया। मैंने सोचा कि ठीक है मतलब अभी तो सारी चीज़ें डिजिटल चल रही हैं तो डिजिटल का फ़ायदा उठाया जाए, बट ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आप या तो टिकट दिखा दीजिए, रिटर्न फ्लाइट टिकट, एंड आप कब आएंगे और आपका प्लान क्या है, मतलब कहाँ कहाँ आप एक्सप्लोर करने वाले। मैंने सारी चीज़ें बता दी, बट एट द एंड उन्होंने बोला कि ठीक है ऑल गुड टू गो। तो दूसरा टॉपिक आता है दोस्तों कि लाइक आप मुझसे कमेंट में फॉर श्योर पूछेंगे कि मैंने वीज़ा कहाँ से अप्लाई किया था, उज़्बेकिस्तान का। उज़्बेकिस्तान का वीज़ा थोड़ा ट्रिकी है। ये आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आप है ना सिंगल एंट्री लेना चाह रहे हैं तो आप है ना अल्टिस करके एक एप्लीकेशन है वहाँ से ले सकते हैं, बट उसका जो प्राइस है वो डबल है। और अगर आप थोड़े से भी इंटरनेट यूज़ करते हैं अच्छे से या थोड़ा कर सकते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा उज़्बेकिस्तान की जो ई वीज़ा वेबसाइट है आप वहाँ से अप्लाई करें। थोड़ा ट्रिकी है, मतलब 3 से 4 दिन मुझे भी लगे। डायमेंशन जो फ़ोटो डायमेंशन का वो बहुत बड़ा गेम है, कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं, जस्ट आपका एक फ़ोटो एंड आपका पासपोर्ट, दैट्स इट। तो वो दो चीज़ मांगते हैं, उसके अलग कुछ भी नहीं। लेकिन भाई वो डायमेंशन ऑलमोस्ट मुझे 3 से 4 दिन क्रैक करने में लग गया। मैंने इतना ट्राई किया कि बार बार मतलब वो कर रहे थे, तो उसके बाद फाइनली हुआ है। तो आप है ना वहाँ से भी मतलब उज़्बेकिस्तान का जो वीज़ा है, वीज़ा उज़्बेकिस्तान ऐसे सर्च भी करेंगे तो वेबसाइट है ना टॉप पे आ जाएगी। कंट्रोल तो मैंने भी वहीं से किया था। इवन मेरा जो था वो मल्टीपल एंट्री था, क्योंकि मुझे उज़्बेकिस्तान से कहीं जाना है दूसरे कंट्री, देन वापस उज़्बेकिस्तान आना है, फिर दोबारा उज़्बेकिस्तान से बाहर जाना है, फिर उज़्बेकिस्तान वापस आना है, तो वैसा सीन था, तो मैंने इसलिए मल्टीपल किया है। तो आप अगर आपके अकॉर्डिंग मतलब जो आपको ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। बाकी अभी चलते हैं यहाँ से, अभी शायद से बोर्डिंग का टाइम हो गया है बिकॉज 11:15 हो गया है एंड 1 घंटे बाद फ्लाइट है। तो अभी चलते हैं और फिर आगे का दिखाएंगे कि इमिग्रेशन में मुझसे नेक्स्ट मतलब जो उज़्बेकिस्तान में एंट्री करने के बाद फिर क्या पूछा जाएगा, एंड मैं कार्ड कौन सा यूज़ करूँगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, बिकॉज कैश विड्रॉल के लिए फॉर श्योर अगर आप ना दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तो कैश विड्रॉल की ज़रूरत लगती है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में, एंड अगर आप नए हैं तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद तो बोल ही सकता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, एंड कमेंट करके अगर आपकी क्वेरी है तो कमेंट करके मुझसे एनी टाइम इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, अभी अपना जो बोर्डिंग होने लगा है, मतलब ऑलमोस्ट कितना 11:30 हो गया है एंड 12:15 पे अपनी फ्लाइट जो है वो फ्लाई करेगी। तो ऑलमोस्ट अभी 45 मिनट हैं, तो अभी इन्हें लाइन में लगने दो आराम से, बिकॉज मेरे बिना तो एरोप्लेन जाएगा ही नहीं ना। लाइन में लग के भी क्यों ही इतना घाई करना, क्यों ही इतना जल्दबाजी करना, तो बताते हैं। और यही वो हैं जो मतलब ऑफिसर हैं, जो बॉस हैं, ये अभी भी चेक कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो इन्होंने ही मुझे ना मतलब ये पेपर वगैरह के लिए बोला था, तो बाकी अभी वेट कर रहा हूँ मैं, जैसे ही मेरा बोर्डिंग होगा फिर आगे चल के बताऊँगा।
वन ऑफ द बेस्ट वॉक। यहाँ चलने का अलग मज़ा है भाई, क्योंकि यहाँ नॉर्मली तो नहीं आ सकता कोई। ये है इंटरनेशनल डिपार्चर। तो हम चले अभी एरोप्लेन के अंदर, लेट्स गो। हेलो सर, वेलकम। थैंक यू। लेफ्ट साइड प्लीज। ओके, लेफ्ट साइड, थैंक यू। ओह वाओ भाई, जबरदस्त। फर्स्ट टाइम मैं 3 सीटर एरोप्लेन में बैठ रहा हूँ भाई, मेरा एक्स्ट्रा पे करना वर्थ इट रहा। लाइक जबरदस्त भाई, अब तक मैंने नहीं देखा, एयरलाइन बहुत अच्छा है लिटरली। ऑलराइट दोस्तों, अभी आ चुका हूँ मैं अपनी सीट नंबर पे, एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि विंडो सीट मुझे मिली है, तो लाइक रात है तो रात में तो इतना ऐसे कुछ होगा नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ दिखा दूं, लेकिन ठीक है, विंडो सीट होती है, चाहे रात की हो या दिन की हो। ऑलराइट गाइस, वी आर अबाउट टू फ्लाई और रेडी है। जस्टिन का भी गीत संगीत चल रहा है जो कि उसबे की है, एंड ये थोड़ा सा कुछ पिक्चर वगैरह चल रही है। बाय द वे, बाहर ऑलमोस्ट वेदर ठीक ठाक है और सर्दी लगने लगी है, तो रेडी। ऑलराइट दोस्तों, अभी फाइनली 1 घंटा लेट है फ्लाइट अपनी, ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट होने के बाद अभी फाइनली हम टेक ऑफ के लिए रेडी है, लेट्स गो। और उज़्बेकिस्तान से पहली कोई सवारी ना हो। ऑलराइट दोस्तों, अभी मैं हूँ टॉस्केंद एयरपोर्ट पे, एंड मेरा इमिग्रेशन वगैरह हो गया है फाइनली, एंड ऐसा जितना भीड़ वगैरह तो थी नहीं। लाइक विद इन 2 or 3 मिनट में मेरा जो इमिग्रेशन है वो कंप्लीट हो गया है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपने बैग का, और उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक काम करते हैं, कैश विड्रॉल करते हैं, बिकॉज कैश भी निकालना होगा, तो चलिए पहले कैश निकालते हैं। ऑलराइट दोस्तों, अभी निकालते हैं अपना ATM से बैलेंस। Let's go. English. पिन कोड क्या था भाई, मैं दिखाऊंगा ही नहीं। कैश विड्रॉल, तो पैसा आ रहा है, देखना मैं बताऊंगा आपको कितना वगैरह चार्ज वगैरह लगा है। फाइनली अपने पास आ चुकी है करेंसी, इट इज। तो ये है यहाँ का 2 लाख का नोट उज़्बेकिस्तान का। अब लेंगे, अभी बैग वगैरह तो आया नहीं है, तो अभी एक काम करते हैं, सबसे पहले लेते हैं सिम, बिकॉज नेटवर्क बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि मैं टैक्सी वगैरह भी कर पाऊँ। काफ़ी निकाल लिया मैंने, 30 लाख निकाला है भाई। अब तो गाइस, अभी लिया है मैंने सिम ये वाला 70,000 में 80 GB। आई थिंक मेरे लिए इनफ होगा, बिकॉज 10 to 12 days आई विल स्टे हेयर, सो मैंने अभी फ़िलहाल ये ले लिया है, एंड अगर ज़रूरत लगेगी तो मैं टॉपअप करा लूँगा। एंड 70,000, आई डोंट नो, अभी मुझे करेंसी का भी नहीं पता कि कन्वर्जन रेट कितना है, तो पहले ये ले लेते हैं। एंड सिम है USL का, तो कराते हैं प्रोसेस, बिकॉज नेटवर्क बहुत ज़रूरी है फ़िलहाल। सो दोस्तों, यहाँ से अपना इमिग्रेशन हुआ था, एंड वो साइड से मैंने ATM से निकाले थे पैसे, देन उसके बाद मैंने लिया सिम, और अभी आ चुका है अपना बैग, तो ऑल गुड टू गो। जस्ट अभी बचा है यांडेक्स, वो यांडेक्स करना है एंड होस्टल पहुँचना है। तो अभी तक तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि मैं, जैसे मेरा कजाकिस्तान का जो एक्सपीरियंस रहा है उसके बेस पर, मतलब मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर ली हैं। लाइक अभी लेते हैं यांडेक्स टैक्सी, एंड उसके बाद अपने होस्टल में चलेंगे। बाकी इमिग्रेशन वगैरह का यहाँ इतना कुछ ऐसा प्रोसेस रहा नहीं जो बहुत डिफिकल्ट हो, एंड मैं कार्ड कौन सा यूज़ करता हूँ उसके लिए आपको कमेंट करके पूछना पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा। तो लाइक ऐसा नहीं फिर एक्सचेंज के लिए करेंसी वगैरह का कोई सीन नहीं है, एंड मैं यूजुअली वही कार्ड यूज़ करता हूँ। तो अभी बस हॉस्टल पहुँचते हैं, एंड इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी मिली होगी, एंड अगर अभी भी कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, ID में मेंशन कर दूंगा अपने इंस्टाग्राम की। तो अभी नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे कवर उज़्बेकिस्तान। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।